हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दक्षिण स्वाद। आप सब कैसे हो? होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा रेसिपी का नाम है सुगियन। ये साउथ का एक बहुत ही ट्रेडिशनल एक टी टाइम स्नैक रेसिपी है, जो कि हम हरी मूंग, नारियल और गुड़ से बनाएंगे। तो बच्चों के लिए एक बहुत ही परफेक्ट एक हेल्थी स्नैक रेसिपी है ये, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और अगर आपको मेरे वीडियोस और रेसिपीज पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 कप हरी मूंग ले रही हूँ। तो जिस क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ, उसमें मैंने 20 नंबर्स ऑफ सुगियन बनाए थे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप हरी मूंग को अच्छी तरह वॉश करके उसमें 1 ग्लास पानी डाल दिया है। उसमें मैं 1 पिंच नमक डाल के उसको कुक करने के लिए रख दिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक पैन में 1 कप ग्रेटेड गुड़ ले रही हूँ। उसमें मैं हल्का सा, थोड़ा सा, बिल्कुल कम पानी डाल रही हूँ। तो ये अच्छी तरह उबलने के बाद ये अच्छी तरह पिघल गया है। अभी जो गुड़ है वो अच्छी तरह पिघल गया है, उसको हमें छान के लेना है। तो ये मैंने यहाँ पर गुड़ अच्छी तरह छान के ले लिया है। तो थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज होते हैं गुड़ में, तो वो उसके लिए आप छान के ले लीजिएगा। उसके बाद उसको दोबारा उबालने के बाद हमें इसमें स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दिया है। सारा अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पर आधा चम्मच इलायची और सौंठ का पाउडर ले लिया है। दोनों इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। तो गैस को बिल्कुल धीमी आंच में रखिएगा। हमें ये जितना भी पानी है इसमें, सारा अच्छी तरह इसको ड्राई करके लेना है। तो ये सारा अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने जो हरी मूंग कुक करने के लिए रखा हुआ था, वो भी अच्छी तरह कुक हो गया है। तो इतनी देर में ना, हमने जो हरी मूंग कुक करने के लिए रखा हुआ था, वो भी अच्छी तरह कुक हो गया है। आप बिल्कुल हाथ से इसको दबा के देख लीजिए, अगर अच्छी तरह ये दब रहा है तो इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ है। और सारा अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद भी आपको लग रहा है कि इसमें पानी का मॉइस्चर है, मतलब पानी है इसमें, तो आप इसको बिल्कुल धीमी आंच में गैस पे छोड़ दीजिएगा। अब बीच में इसको स्टिर करते रहिएगा, हिलाते रहिएगा। अभी पानी बिल्कुल इसमें ड्राई हो गया है, इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ना, उसके बाद हमें इसको ठंडा होने के लिए रखना है। तो जब तक वो ठंडा होता है, हम यहाँ पर बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है। उसमें मैंने 3 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। तो चावल का आटा डालने से ना क्या कि ऊपर का जो कवरिंग है वो थोड़ा और क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और इसमें 1/4 हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ। सारा अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसमें पानी डाल के इसको एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी में लाना है। बिल्कुल लूज मत कर लीजिएगा। उसे क्या है कि हम जो बॉल्स इसमें बैटर में डालेंगे, वो बॉल्स अच्छी तरह कवर नहीं होगा, तो थोड़ा थिक बैटर ही चाहिए हमें। तो हमने जो मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था, वो भी अभी यहाँ पर अच्छी तरह ठंडा हो गया है। इसको ना हम छोटे छोटे बॉल्स में कर लेते हैं। छोटा बड़ा बॉल्स का साइज जो है, वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा।
अब मैं यहाँ पर डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद हमने जो बॉल्स लिया था वो बैटर में डाल के अच्छी तरह कोट कर लेते हैं। तो बैटर अच्छी तरह अगर थिक नहीं है तो अच्छी तरह कोट नहीं होगा, तो बैटर को काफ़ी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में रहे लेकिन अच्छी तरह थिक होना चाहिए। कोट करके ना हमें इसको डीप फ्राई करके लेना है। वैसे जो इसका पारंपरिक रेसिपी जो है उसमें मैदा यूज़ करते हैं ये जो बैटर के लिए, अदरवाइज बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है सारे ही हेल्थी हैं। लेकिन आप चाहे तो मैदा मैदा लेने के बजाय आप आटा भी ले सकते हो, आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो। और इसको हम इसका जो अंदर का जो इंग्रेडिएंट है सारा अच्छी तरह कुक्ड है, तो हमें जो बाहर का जो बैटर हमने डिप करके रखा हुआ है वो थोड़ा अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद हम तेल से निकाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर कलर चेंज होने तक वगैरह इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैस को आप मीडियम रख सकते हो और मीडियम रख के इसको फ्राई करके ले लीजिएगा। तो अभी हमारा सुगेन जो है वो यहाँ पर तैयार है, तो हम इसको तेल में से निकाल देते हैं। इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज होने तक हमें इसको तेल में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसका जो ऊपर का कवरिंग जो है वो काफ़ी क्रिस्पी है, तो गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी खाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे ही बाकी के जो हमने बोल्स बना के रखे हैं वो भी बैटर में डिप करके फ्राई करके ले लेते हैं। बाकी के जो है वो सुगेन बना के तैयार करके ले लेते हैं। तो जिस क्वांटिटी में मैंने लिया है उस क्वांटिटी में मुझे 20, इस साइज़ के 20 नंबर मिले हैं, 20 सुगेन मैंने बनाए थे। तो काफ़ी हेल्थी रेसिपी है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है, बच्चों को बहुत ज़रूर बहुत पसंद आएगा। तो ये आप तैयार करके ना आप बच्चों को एज ए स्नैक्स लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हो, उनको बहुत पसंद आएगा। और बच्चों के लिए एक हेल्दी रेसिपी है जैसे कि हरी मूंग हो गया, नारियल हो गया, गुड़ हो गया, हमने इसमें बिल्कुल चीनी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप आराम से इसको स्नैक्स बॉक्स में या लंच बॉक्स में पैक करके आप दे सकते हो। और त्यौहार जब आते हैं तब भी आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद करेंगे सब लोग। तो चलो आज तो होप आज का रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको आज का रेसिपी कैसा लगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।